हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम देखेंगे शेयर्स और शेयर मार्केट के बारे में और उनसे जुड़े कुछ टर्म्स को समझेंगे सो so, सबसे पहले हम समझते हैं कि शेयर्स होते क्या हैं अगर आप समझो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जैसे कि आप कोई अपनी शॉप ओपन करना चाहते हैं तो उसे कहते हैं प्रोपराइटरशिप यही सेम बिजनेस अगर आप किसी के साथ मिलकर खोलते हो जो आपके साथ उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा सो तो उसे कहेंगे पार्टनरशिप क्योंकि एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमेशा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो अगर आप एक कंपनी खोलना चाहते हैं तो उसी तरीके से आपकी कंपनी को इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर करवाना होगा और जो पर्सन कंपनी फॉर्म करते हैं उन्हें प्रोमोटर्स कहा जाता है और जो कंपनी होती है उसे लिमिटेड कंपनी कहा जाएगी तो so एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी कुछ पैसों की उन पैसों को कहा जाता है कैपिटल और ये जो कैपिटल होता है इसे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जैसे कि वन रुपी टू रुपी फाइव टेन 10, और हंड्रेड रुपीज एक्सेट्रा कुछ इस तरीके से तो ये जो स्मॉल पार्ट है इन्हें कहा जाता है शेयर ऑफ़ द कंपनी इन्हीं शेयर को शेयर मार्केट में बेचा जाता है टू रेज द कैपिटल अ शेयर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल द वैल्यू ऑफ शेयर इज़ प्रिंटेड ऑन कंपनी सर्टिफिकेट विद अदर डिटेल्स एंड इज कॉल्ड शेयर सर्टिफिकेट अगर एक शेयर क्या होता है कि अगर कोई कंपनी है वो अपनी हिस्सेदारी देना चाहती है इन्वेस्टर्स को सो so वो एक शेयर्स इशू करेगी जो कि इन सारे लोगों को दे दिए जाएंगे एंड उस शेयर की एक कीमत होगी अगर ये कंपनी है परसेंट हिस्सेदारी इन्वेस्टर्स को देना चाहती है एक शेयर की वैल्यू 1% परसेंट रखती है सो तो टोटल 100 शेयर्स इन्वेस्टर्स को दे दिए जाएंगे इसलिए कहा जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल सो इसलिए एक परसेंट के लिए एक शेयर होगा तो हंड्रेड के लिए हंड्रेड शेयर्स होंगे सो so, जो एक शेयर है उसे कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल एंड इस इस शेयर को नोटिफाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज होता है उसे कहते हैं शेयर सर्टिफिकेट उसी तरीके से शेयर होल्डर अ पर्सन हु ओन्स द शेयर इज कॉल्ड अ शेयर होल्डर वो इन्वेस्टर जिसे ये शेयर मिलता है वो होल्ड करता है सो so उसे उस कंपनी का शेयर होल्डर माना जाएगा शेयर होल्डर इज अ पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी एंड इन द पोर्शन ऑफ नंबर ऑफ शेयर सी शी होल्ड लेट सपोज जैसे कि इस एग्जांपल में हमने देखा था कि 100 परसेंट एक्विटी जब कंपनी देती है एक शेयर की वैल्यू 1 परसेंट है एंड अगर मेरे पास एक शेयर है इसका मतलब मैं इस कंपनी का 1 परसेंट ओनर हूँ एज अ शेयर होल्डर अगले इसमें देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज वो जगह होती है जहाँ पे शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग की जाती है इट्स ऑल्सो नोन एज शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट और एक्विटी मार्केट कैपिटल मार्केट भी कहा जाता है कंपनी शुड बी लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडिंग शेयर्स का जहाँ लेन देन होता है उस जगह को कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज वहाँ आप अपने शेयर्स बेच सकते हैं एंड खरीद सकते हैं शर्त यही होगी कि आपकी जो कंपनी है वो शेयर मार्केट में वहाँ पर लिस्टेड होनी चाहिए तो ही आपकी कंपनी के शेयर्स वहाँ पर एक्सचेंज किए जा सकते हैं सो so एक शेयर के बारे में डिटेल में पढ़े तो फेस वैल्यू क्या होता है देखते हैं सो फेस वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड एज द फेस वैल्यू ऑफ़ द शेयर इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल वैल्यू और प्रिंटेड वैल्यू और पार वैल्यू सो फेस वैल्यू वो होती है जो कि एक शेयर की वैल्यू डिनोट होती है जैसे कि एक शेयर है जिसकी कीमत है टेन रुपीज़ सो so उसे फेस वैल्यू उसकी कही जाएगी टेन रुपीज़ क्योंकि उसके ऊपर डिनोटेड है टेन रुपीज़ उसी तरीके से एक और टर्म है जिसे कहा जाता है मार्केट वैल्यू so अगर हम मार्केट वैल्यू को पढ़ें तो द प्राइस एट विच शेयर आर सोल्ड एंड परचेस इन स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू ऑफ़ द शेयर सो अगर एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू है टेन पर वो मार्केट में बिक रहा है एट रुपीज़ का सो so, उसकी जो फेस वैल्यू है वो होगी टेन सो so, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो होगी एट रुपीज़ क्योंकि मार्केट में वह एट रुपीज़ का रहा है जबकि उसकी फेस वैल्यू है टेन फेस वैल्यू चाहे जो भी हो बट मार्केट में अलग अलग रेट वेरी करते हैं आज ये शेयर एट रुपीज़ का है तो कल एलेवन रुपीज़ का भी हो सकता है सो so, इसलिए इसे कहते हैं मार्केट वैल्यू और एम अब देखते हैं डिविडेंड द पार्ट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड पर शेयर अमॉन्ग शेयर होल्डर इज कॉल्ड डिविडेंड

और शेयर होल्डर्स के लिए ये इनकम जो है जो कि डिविडेंड के फॉर्म में आई है वो टैक्स फ्री होती है आगे देखते हैं इंडिया के टू मेन स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे कि बी कहा जाता है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे एन कहा जाता है ये इंडिया के दो स्टॉक एक्सचेंजेस है जबकि बी जो कि सबसे ओल्डेस्ट है इन एशिया में वायल एन जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है अब जानते हैं इन दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस से जुड़े शेयर इंडाइसिस के बारे में सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बी का मेन शेयर इंडाइसिस है दूसरा निफ्टी जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका शेयर इंडाइसिस है शेयर इंडाइसिस हमें मार्केट के हालात बताते हैं सेंसेक्स और निफ्टी को डीप में पढ़े तो सेंसेक्स जो वर्ड है वो दो शब्दों से बना है फर्स्ट इज सेंस यानी कि सेंसिटिव दूसरा इंडेक्स यानी एक्स दूसरा एक्स यानी कि इंडेक्स सेंसिटिव इंडेक्स इसका मतलब वो मार्केट के हालात एनालाइज करता है इसका मतलब वो मार्केट के हालात डिटेक्ट करता है एंड वो शो करता है जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था बी द्वारा एक तारीख उन्नीस को जबकि सेंसेक्स जो है वो तीस स्टॉक के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है एंड ये जो तीस स्टॉक्स हैं वो वेल इस्टेब्लिश कंपनीज एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज के होते हैं दूसरा शेयर इंडाइस है निफ्टी निफ्टी भी दो शब्दों से बना है एन फॉर एन और दूसरा वर्ड यानी फिफ्टी मतलब ये जो एन मतलब ये जो निफ्टी है ये शेयर इंडाइसिस टोटल इंडिया के टॉप मोस्ट फिफ्टी कंपनीज का इंडाइसिस है सो निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हालात बताता है और सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हालात बताता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के परफॉर्मेंस के बारे में बताता है तो सेंसेक्स और निफ्टी को आसान भाषा में समझें तो इनका मतलब ये है कि सेंसेक्स जो है वो थर्टी स्टॉक्स उनको कंबाइन करके एक यहाँ पे मेट्रिक बताती है कि करंट हालात क्या हैं मार्केट के इनको एनालाइज़ करके वो बताती है कि कहाँ अभी मार्केट जो है वो बहुत हाई चल रहा है या फिर लो चल रहा है उसी तरीके से जो निफ्टी है वो इससे भी ज़्यादा यानी कि फ़िफ्टी शेयर्स को इंक्लूड करके मार्केट के हालात बताता है सो so, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि शेयर क्या होता है शेयर होल्डर क्या होता है एंड स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है सो so, आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में